रशिया के एक डॉक्टर कुछ कुत्तों पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये एक्सपेरिमेंट डाइजेशन पे था। मैं इस डिटेल में तो नहीं जाऊंगा कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए वो कुत्तों के साथ कर क्या रहे थे, पर हाँ इतना जरूर बोलूंगा कि आप और मैं नहीं चाहेंगे कि हमारे साथ वैसा हो। इन कुत्तों को खाना देने की जिम्मेदारी उनके लैब असिस्टेंट की थी, जो हर वक्त एक सफेद कोट पहने रहता था। कुछ समय बाद डॉक्टर साहब ने ध्यान दिया कि कुत्तों की लार खाना देके तो टपकती ही है, पर ऐसा तब भी होता है जब उनके पास कोई बिना खाना लिए जाए, बशर्ते उसने एक सफेद कोट पहन रखा हो। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि कुत्तों के दिमाग में खाना और सफेद कोट कुछ ऐसे जुड़ चुका था, जैसे मान लीजिए किसी खास मौसम में या किसी स्मेल से या कोई गाना सुन के हमें किसी की याद ऐसे ताजा हो जाए जैसे मानो वो साथ ही बैठा हो। अब डॉक्टर साहब को ये बात काफी इंटरेस्टिंग लगी और उन्होंने फिर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिससे आपकी और मेरी जिंदगी आज तक कंट्रोल की जा रही है। खाना देते समय एक छोटी सी घंटी बजाए जाने लगी और कुछ बार ये दोहराने के बाद जब बिना खाने के भी घंटी बजाई गई तो कुत्तों की लार टपकने लगी। अब घंटी बजा के कुत्तों की लार टपका के किसी को क्या ही मिलेगा। जब तक आप ये सोच रहे हैं, आइए एक छोटा सा चक्कर मॉल का लगाते आते हैं। फर्ज कीजिए हम बोर होके मॉल घूमने गए हैं, वहाँ पे हमें नाइकी के जूते दिख जाते हैं या एप्पल की आई वॉच दिख जाती है और हमें लगता है कि हमारे फिट होने में, एडवेंचर करने में या बेहद कूल लगने में और खुश होने में अगर कोई कमी है तो सिर्फ नाइकी के जूतों की या एप्पल की आई वॉच की। पर इस गलत सोच के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। बारी बारी एड्स दिखा के या फिल्मों में प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स करके या इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा हमारे दिमाग में भी जूतों को, गैजेट्स को खुशी से ऐसे जोड़ दिया गया है जैसे घंटी बजने को खाने से। पर जिस तरह घंटी बजा के कुत्तों की लार तो टपकाई जा सकती है पर भूख नहीं मिटाई जा सकती, उसी तरह हमें जूते दिखा के, गैजेट दिखा के खुशी का प्रॉमिस तो किया जा सकता है पर खुशी दी नहीं जा सकती।